नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चक्राता की ब्लॉक प्रमुख निधि राणा के नेतृत्व में कई लोगों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सभी लोगों का स्वागत कांग्रेस पार्टी में किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में आज बीजेपी सरकार की अकर्मण्यता से हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज त्रिवेंद्र सरकार से परेशान प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। रुद्रप्रयाग में ई टेंडरिंग को समाप्त करने और लंबित भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर ठेकेदार संघ रुद्रप्रयाग ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठेकेदारों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। ठेकेदार लंबे समय से ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि ई टेंडरिंग के कारण छोटे ठेकेदारों को काम नहीं मिल पाता। लंबे समय से ठेकेदारों के लंबित भुगतान न होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने वाले तमाम ठेकेदार संघ के लोग, हमारे ठेकेदार साथी आज सड़कों पर उतरे हैं, तो ये सरकार के लिए एक शर्म करने वाला विषय है। देखिए, जब से ई टेंडरिंग की व्यवस्था हुई है तब से छोटे और मंझोले ठेकेदार हैं, उनको काम मिलना बंद हो गया है, उनका शोषण हो रहा है। और हमारी यही मांग है कि जनपद स्तर पर स्थानीय ठेकेदारों को ही काम में वरीयता दी जाए, भारी ठेकेदारों को काम न दिया जाए। और जो उनका पुराना पेमेंट है, जो बकाया है, उसको जो अधिकारी हैं, चाहे PWD हो चाहे अन्य विभागों के अधिकारी हैं, उनका समय पर भुगतान वो लोग करें, ताकि जिनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है वो दूर हो सके। हमारी मांग है जो पुराने 5-5, 7-7 सालों के भुगतान हैं, जो छोटे और मझोले ठेकेदार जो कि आज बिल्कुल जेवर बेचने की कगार पे हैं, इस अडानी और अंबानी की सरकार छोटे मझोले ठेकेदारों को बिल्कुल मजदूरों से भी बदतर स्थिति में ला खड़ा कर दिया। हमारी मांग है कि हमारा जो पिछले भुगतान है विभागों में पैसा आ रहा है, उस पैसे का पता नहीं चल रहा है। सभी विभागों के हाल हैं और ई टेंडरिंग का जो हो रहा है, बड़े बड़े ठेकेदारों को पनपाने की जो नीति है ये बिल्कुल सरासर गलत नीति है और सारा ठेकेदार संघ मतलब इस चीज़ का विरोध करता है। जौनपुर विकासखंड के थतियुड़ बाजार के व्यापारियों के द्वारा एक बैठक कर जिला पंचायत ठेकेदार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ठेकेदार पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में ठेकेदार के द्वारा बाजार बंदी पर बाजार को न तो सैनिटाइज किया गया और न ही बाजार में फॉगिंग की गई। वहीं फोन करने पर फोन भी नहीं उठा गया। व्यापारियों ने इस पर कार्रवाई की भी मांग की है। टिहरी में अनलॉक 5 शुरू होने के बाद टिहरी झील में बोट संचालन भी शुरू हो गया है, जिस पर व्यापारियों ने खुशी जताई है। वहीं बाहर से आए पर्यटकों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की ओर से छूट दी जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब कुछ खुला है, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, अच्छी चीज़ है, इससे लोगों की और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग बाहर निकलेंगे। बहुत लंबे टाइम बाद 5 से 6 महीने बाद वोटिंग पॉइंट दोबारा से स्टार्ट हुआ है और COVID-19 के बाद काफ़ी लोगों का रुझान इस तरफ आया है, क्योंकि लोग घरों में रह के परेशान हो गए थे, तो लोग आ रहे हैं। कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, हम स्कैनिंग करते हुए, जितनी भी गाइडलाइन है सबको फॉलो करते हुए यहाँ पे कस्टमरों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। खाने के लाले पड़ गए, लेकिन अब खुला है 22 तारीख से, तो थोड़ा राहत मिली है, टूरिस्ट भी आ रहा है और धन्यवाद है सरकार का। परंतु अभी भी जो है उस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि उधर का जो रोड बंद है आपका केदारनाथ वाला श्रीनगर से, उस वजह से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। फिर भी पहले से अब थोड़ा काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कोटद्वार क्षेत्र से मिल रही लगातार अवैध खनन की शिकायत पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग और राजस्व विभाग ने छापेमारी कर मालन नदी से अवैध खनन ढुलान में लगे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। वहीं उप जिलाधिकारी ने BL रोड पर खड़े RBM से लदे 5 डंपर को भी सीज कर दिया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि सभी डंपर मालिकों के खिलाफ अवैध खनन और परिवहन एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भी अगर आप देखेंगे तो अवैध खनन के अगेंस्ट कार्रवाई प्रशासन का एक रूटीन कार्य रहता है, और इसमें भी पिछले हफ्ते अगर पिछले 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो तकरीबन 12 ट्रैक्टर ट्रॉली सील हुई है। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो BL रोड है, BL रोड पे जब भ्रमण किया जा रहा था तो पाया गया कि करीब 5 ट्रक जो है वो सड़क किनारे खड़े हैं RBM से लदे, और न उनके पास कोई वैध रवन्ना है, न किसी अन्य प्रकार का दस्तावेज है, तो उनको सीज किया गया है। पौड़ी के विकासखंड कलजीखाल के अंतर्गत बौसार पुल के शीघ्र निर्माण के लिए क्षेत्र जनता के द्वारा स्थानीय युवा छात्र नेता मंजीत नेगी के नेतृत्व में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर ग्रामीणों ने सड़क पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए।
धरनास्थल पर टैक्सी चालकों ने भी एक दिवसीय धरने में अपना सहयोग दिया। वहीं अधिशासी अभियंता अशोक कुमार नौटियाल का कहना है कि ठेकेदार को 9 सितंबर से कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए गए थे और पुल निर्माण की फर्स्ट स्टेज शुरू हो चुकी है। इसकी कोई ना कोई रूपरेखा बनाई होगी शासन प्रशासन ने, विभाग ने, तो उस रूपरेखा को जनता के सम्मुख रखना चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए, उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि भाई हम लोग इस तरीके से इस पुल का निर्माण करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को अभी ये पता ही नहीं है कि ये पुल कब स्वीकृत हुआ है, किसको टेंडर मिला, कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। है ये हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान गढ़वाल सांसद है आदरणीय तीर सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैन है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है और इसी भौसाल पुल से हमारे उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री है मोहन चंद्र खंडूड़ी, उनका जो ससुराल है नैल, वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं और इसी भौसाल पुल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव खैरासैन पड़ता है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के 18,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लोग इस लकड़ी के तख्तों के भरोसे अपनी आवाजाही कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना की थी कि इसलिए नहीं की थी कि यहाँ विकास ना हो, हमने यही परिकल्पना की थी कि यहाँ पर विकास हो, लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 2017 से यहाँ पर स्थानीय जनता को लगभग बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बार बार यहाँ पर कभी JCB ला करके खड़ी कर देते हैं, कभी यहाँ पर टेंट लगा करके यहाँ पर लेबरों को छोड़ देते हैं, तो इस तरह स्थानीय जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस बार स्थानीय जनता ने फैसला लिया कि हम लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं और हम अब चेत चुके हैं कि हमको क्या करना है। प्रतिनिधि तो तभी जागते हैं उत्तराखंड के कि जब उनके कान में जो है कुछ डाला जाता है, तभी उनकी नींद खुलती है, जब उनकी आंखों में पानी डाला जाता है। जबकि इस पुल को बने हुए 40 साल से ऊपर बीत चुके हैं और आज तक यहाँ पे बड़े बड़े मुख्यमंत्री नेता इसी क्षेत्र से हुए हैं। माननीय तीरथ सिंह रावत जी आज जो यहाँ से सांसद है, उनका गांव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सिरो में है। माननीय मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी रहे, उनका ससुराल नैल यहाँ से 15 किलोमीटर की दूराई पे है। 15 किलोमीटर की दूराई पे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का गाँव है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को, युवा शक्ति को, मात्र शक्ति को, अपने बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद चार धाम यात्रा को देखते हुए जोशीमठ पुलिस प्रशासन ने वन वे सिस्टम लागू कर दिया है। वन वे सिस्टम तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी लागू होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जोशीमठ में वन वे का सिस्टम लागू रहेगा। चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत तलवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने होम स्टे योजना के अंतर्गत तलवाड़ी में बने होम स्टे का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ थराली विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौजूद रहीं। होम स्टे योजना के प्रचार के साथ ही आवेदकों को होम स्टे खोलने के लिए सहकारी बैंकों की मदद से कम ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। होम स्टे के उद्घाटन के बाद सहकारिता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 44 चेक भी वितरित किए गए। का कॉन्सेप्ट है हमारे राज्य का कि आज एक तो हम किसानों को 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए बिना ब्याज के दे रहे हैं और ये मुर्गी पालन से लेके होम स्टे से लेके जो भी योजनाएं जो करना चाहते हैं, आज 5,000 से ज़्यादा होम स्टे हमारे राज्य में बन चुके हैं और मुझे लगता है कि ये पलायन को रोकने के लिए और जो प्रवासी लोग हमारे आ रखे हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनव प्रयोग है, पूरा सहयोग है और ख़ास तौर से जो हमारे मैनेजर हैं तो उनसे काफ़ी मदद मिली है और हर एंगल पे उन्होंने मतलब मदद की है हमारी। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण कर्मचारी संघ 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर विरोध पर अड़ा हुआ है। ITI निदेशालय हल्द्वानी में कर्मचारियों ने एक दिवसीय उपवास रखा। कर्मचारियों की मांग है कि मृतक आश्रितों के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया 1.5 वर्ष से लंबित है, उन समस्त प्रकरणों का निराकरण तुरंत किया जाए। इसके अलावा विभागीय कर्मचारियों के दैनिक कार्यों के विवरण भरे जाने के लिए सेवा योजना के द्वारा जारी गूगल सीट को भरे जाने के आदेश को वापस लिया जाए। यही नहीं बल्कि प्रदेश के संचालित ITI में कार्य देशों के 55 रिक्त पदों पर पदोन्नति का अधिचयन 1.5 वर्ष से रोका गया है, इसको तुरंत आयोग को भेजा जाए। ये जो हमारी डिमांड्स हैं सर, ये जो हमारी डिमांड्स हैं 6 सूत्री मांगों को लेकर हम बैठे हुए हैं। कोई भी हमारी डिमांड, कोई वेतन या भत्ता बढ़ाने के लिए कोई भी डिमांड नहीं चल रही है। हमारी जो मेन डिमांड है वो सचिव महोदय द्वारा शासन स्तर से कार्मिक विरोधी, सेवाहित विरोधी जो भी निर्णय किए गए उनको वापस लेने की है, जिसमें हमारी ACR के संबंध में है, आपके कार्यदेशक की पदोन्नति के संबंध में, प्रधानाचार्य की पदोन्नति, भंडारी समवर्ग की पदोन्नति और इसके अलावा जो मृतक आश्रित हैं उनको पिछले 1.5 वर्ष से लंबित रखा गया, उनके प्रकरणों को हम चाहते हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कमेड़ी में 24,49,000 की लागत से निर्मित A2 मिल्क ग्रोथ सेंटर दुग्ध पदार्थ निर्माण प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही कांडा तहसील में नवनिर्मित डिग्री कॉलेज के भवन परिसर का लोकार्पण और कपकोट डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन, साथ ही दुगनाकुरी तहसील में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। बागेश्वर जिले का दूध अभी तक अल्मोड़ा जाता है,
और अल्मोड़ा में से पैकिंग होके फिर यहाँ तक। अब हमने सारा पैकेजिंग सिस्टम, सारा ग्रोथ सेंटर अब यहीं बना दिया है और लगभग 700 लीटर जो दूध डेली उपार्जन होता है यहाँ, वो अब यहीं यहाँ इसकी पैकेजिंग होगी। हमने उसकी मशीनें दे दी, ए टू मिल्क के नाम से यहाँ से जहाँ पूरे बागेश्वर जिले को ही मिलेगा। हरिद्वार में स्कैब चैनल शासनादेश के खिलाफ 16 दिन से पुरोहितों का धरना जारी है। पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मां गंगा को स्कैब चैनल का नाम दिया था, उस शासनादेश को वापस लेकर मां गंगा के साथ हो रहे छलावे को बंद किया जाए। आपको बता दें कि पूर्व में कांग्रेस सरकार स्कैब चैनल शासनादेश लाई थी, जिसमें साधु संतों और पुरोहित समाज के लोगों ने रोष प्रकट किया था। बात कर रहे हैं कि सरकार से, जो सरकार ने हमें पूर्व में भी 3.5 साल पहले से और उसके बाद कई बार हमें आश्वस्त किया है कि वो माँ गंगा का सम्मान वापस देगी, जो शासनादेश पूर्वोत्तर सरकार ने माँ गंगा जी को के लिए घोषित किया था, जिस शासनादेश में उन्होंने उसको स्कैप चैनल और नहर के नाम से घोषणा की थी। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि 2016 में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने गंगा को बांधने वाला एक काम किया, यहाँ जो अविरल धारा बहती थी उन्होंने उसको स्कैप चैनल के नाम से एक नया अध्यादेश लागू कर गंगा को बांधने का प्रयास किया। हरिद्वार स्थित गंगा माता चैरिटेबल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों ने ट्रस्ट पर बेवजह नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाया है और इसके विरोध में हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को उनके परिजन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के अधिकारियों के द्वारा कोरोना काल का बहाना बनाकर उन्हें पिछले 6 महीने से केवल 25% वेतन दिया जा रहा था, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मैं यहाँ पिछले 21 वर्ष से यहाँ कार्य करता हूँ, मेरा किसी प्रकार का कोई व्यवहार गलत नहीं है, कोई ऐसा कुछ कारण नहीं है। खाली 6 माह से हमें तनख्वाह जो है आधी देते रहे हैं, 25, फिर उसके बाद 25% तनख्वाह कर दी है, और जबकि काम हॉस्पिटल में पूरी तरीके से पूरा चल रहा है ना, केवल 2 महीने थोड़ी दिक्कत जरूर रही, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इनसे खाली अपनी जायज़ मांग, मैंने इनसे बोला है कि मुझे तनख्वाह पूरी दी जाए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ, क्योंकि लेकिन वो बिल्कुल मना कर रहा है कि किसी तरीके से भी मैं तनख्वाह भी पूरी नहीं दूंगा, और इतना कहना उसके लिए बुरा हुआ कि उसके बाद उसने मुझे सेवा मुक्त कर दिया रजिस्ट्री के द्वारा। हस्बैंड के साथ खड़ी मैं अपनी, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मेरी सास है, तेवर बीमार है घर में, जिठानी का लड़का भी है, घर की इतनी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है कि इन्होंने बिना कार्य बिना कसूर के मेरे हस्बैंड को निकाल दिया। 21 साल हो गया काम करते हुए, कोई कारण नहीं बताया, हमें बहुत दिक्कत है। मुझे जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से उठेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।